अरे यह सूरज भी सामने है। दी एक भी किरण साडे घर तक ना आई ते गुरबत एक कजाब है ढोला खानदानी नवाब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। एक न्यू व्लॉग में आपका करते हैं वेलकम। भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ घंटी को भी दबा दे ताकि नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो आज मैंने व्लॉग बनाना लेट स्टार्ट किया है क्योंकि रात की बिजली हमारे गाँव में नहीं थी, हवा की वजह से चली गई थी। अच्छा, तो अब आई है तो मैंने मोबाइल को थोड़ा बहुत चार्ज करके व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज रात को कंप्लीट बना के अपलोड कर दूं। तो आज मैं आपको जो कल वीडियो में बताया था कि एक एलोवेरा उसको कैसे अपने फेस पे लगाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, और वो आज मैं इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आज अपने फेस पे लगाना है क्योंकि मेरे फेस पे ऊपर जो छोटे छोटे ये अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, दब्बा नमा जैसे दाग हैं वो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे इसके लगाने से, बहुत फ़ायदे हैं। तो आज मैं इसको उतारने के लिए पहले मुझे ले कर आनी पड़ेगी नाइफ, जिसको पंजाबी में बोलते हैं छुरी। मेरे पास ही पड़ी हुई है, देखें ये ले लिया छुरी, ठीक है। इसके साथ अब मैंने इसको इधर से एक पीस उतारना है, तो उतारे लो जी ये मैंने उतार लिया है। तो इसको मैं लगाऊंगा फेस पे, देखते हैं कैसे इसको लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक चाकू छुरी, तो दूसरा ये एलोवेरा है। अब मैं इसको उतार के इसके ऊपर ये जो इसकी जिले से उतार के फिर अपने फेस पे लगानी है, तो इंशाल्लाह इससे मेरी जो स्किन है वाइट भी हो जाएगी और नीट एंड क्लीन भी हो जाएगी। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको वो लेके उसका मसाज किया है, अभी तक ये मेरे फेस पे लगी हुई है, ठीक है। तो आप 10 मिनट तक ये लगी रहे, इसके बाद फिर मैंने फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लेना है। साबुन से वॉश ना किया करें अपना चेहरा, वो नहीं सही होता। और दूसरा ये फ़ायदा है इसका कि आप अगर अपने बालों पर लगाएंगे तो बेहतरीन सिल्की होंगे। जो आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं ना, तो अगर आप ये एक दफ़ा करके देखें डबल फ़ायदा होगा, मतलब इतने सिल्की नरम और मुलायम आपके हायर होंगे, तो आप कहेंगे कि मैं यही इस्तेमाल क्या करूँ, इसके अलावा कोई चीज़ ना अपने बालों पर लगाऊँ, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जो मेरा छोटा भाई है शाहनवाज, आज वो बाहर गया हुआ था कहीं, तो पता नहीं किधर से उसने दो ना मछलियाँ पकड़ के लाए, एक छोटी सी एक थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा, तो यार इतनी ज़्यादा तेज़ है कि उनको वो पकड़ते हैं लेकिन वो पकड़ी नहीं जाती। लेकिन आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, छोटी छोटी हैं मज़ेदार हैं, लेकिन यार अभी ना उसका बिल्कुल को दो चार बोटियाँ बननी हैं, तो घर वालों ने कहा कि इन्हें ना बना के तो आज पका के हंडी या पकौड़ा वगैरह खाते हैं, मौसम भी ठंडा ठंडा, इसलिए कह रहे थे। मैंने नहीं यार अभी छोटी हैं, चलो दो चार और होती तो फिर इसको हम ना बना के तो खा लेना था। लेकिन ये देखें, ये मलिक साहब आदिल साहब भी आए हैं, हाँ जी ए देखो पकड़ रहे हैं छोटी छोटी मछलियाँ ने बिल्कुल। एक मिनट रुक यार खा लें, एक मिनट रुक। ये देखे एक बिल्कुल छोटी है और दूसरी थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये पकड़ने जा रहा है इसके हैंड में नहीं आ रही, इतनी तेज़ है ये देखें। ओए
ओए नहीं पकड़ी जानी ओए वेलकम गाइस ये नहीं पकड़ी जानी ये हाँ ये देखें किसने पकड़ी पकड़ लिया इसने बड़ी मच्छी हाँ फिश ये है बड़ी फिश ये देखिए उसने पकड़ी है इसका इसका देखें इसका मुंह देखें और इसकी आंखें चेक करें ओ जबरदस्त ऐसे लग रहा है जैसे सांप है ये छोटी इतनी ज्यादा तेज है वो तो बिल्कुल इसके हैंड में नहीं आ रही ये देखे ओ यार क्या कर दी इधर इसको पानी में रखो इधर लेके आओ ओए यार क्या कर दिया ठीक हो गया ये देखे सूरज बिल्कुल गरूब होने वाला है तो इंशाल्लाह ये भी चंद मिनट तक अपने चला जाएगा वापस ठीक है तो इसके बाद आज हमें आदल साहब जो है ना वो सुनाएंगे शायर गुरबत पे शेर आई मौसम ठंडा ठंडा है तो सोचा चले इनसे कुछ शेर सुनते हैं चल देखते हैं कैसा सुनाते हैं गुरबत गुरबत पे शेर सुनाता हूँ अच्छा सुनाए कि लोकां दियां उचियां कदां ने डक ली साडे घर दी रोशनाई ओ अच्छा लोकां दियां उचियां कदां ने डक ली साडे घर दी रोशनाई ते सूरज दी इक भी किरण साडे घर तक ना आई यार अभी तो खड़ा हो अभी तो आ रही है सूरज भी सामने सूरज दी इक भी किरण साडे घर तक ना आई ते गुरबत इक अजाब है अच्छा मेरा ढोला खानदानी नवाब है अच्छा आपने शेर सुना है तो मेरा डोला खानदानी नवाब है माशाल्लाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह ये जो मैंने ग्लासेस पहने ये आदल की ग्लासेस हैं ये दोस्तों अगर आप मुझे बताएं अगर अच्छी लग रही है तो मैं भी इस तरह के एक न्यू ले लूं और इसमें अपना नेक्स्ट व्लॉग जो है एनक के साथ बनाया करूं ठीक है तो अगर मुझे अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट में बताना है तो इंशाल्लाह मैं कल जाके शहर सिटी जाके अपना ये एक ग्लासेस न्यू ले लूँगा तो कोई बात नहीं इससे अब मैं अपने व्लॉग के लिए 200-400 रुपया रोड दें पानी के मसले नहीं है तुम मैं दसना है बस कमेंट अच्छा जी 10-15 मिनट तो बाद मैं अपना फेस कर लिया वाश तो हूँ वेखो मेरे ख्याल में मैं चिट्टा भी नज़र आ रहा वा तो मेरा फेस भी अगे ना कुछ फर्क पै गया ठीक है सब ये टोटका इस्तेमाल कर इंशाल्लाह इनका रिजल्ट इन्होंने एक दिन इन्होंने अगे आ जाएगा ठीक है बाकी सब की अपनी अपनी मर्जी कोई इस्तेमाल करे ना करे ठीक है असं अच्छी राय ध्यान इंशाल्लाह अगर इन उत्ते अमल करेगा तो वह फायदे ही पाएगा इंशाल्लाह नुकसान कोई नहीं देखो फर्क पै गया कि नहीं मैंने कमेंट दसिया जो कोई ठीक है तो यार आज हमने सोचा है कि कल या परसों तक इंशाल्लाह एक ना लैपटॉप भी लेके आए क्योंकि ये जो व्लॉगिंग की एडिटिंग है ना मोबाइल पे यार बंदा थक जाता है तो एक तो लैपटॉप पर आसानी बहुत ज़्यादा है कि बंदा उधर से फौरी एडिटिंग कर लेता है ठीक है तो इसलिए हमने सोचा कि इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर मैं अपना एक ज़ाती लैपटॉप भी लेके आऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे अगली वीडियो जो मैं अपने लैपटॉप के ऊपर एडिटिंग करूँगा तो अब बिल्कुल देखें अंधेरा हो चुका है तो ओ वाह ले वाह जी वाह ये देखें शानवाज ये पकौड़ा वाह ये पकौड़ा आ गया साथ कैचअप आए मज़े आ जाने दे मज़े आ जाए मौसम भी ठंडा है मज़े करो मज़े इंजॉय इंजॉय तो दूसरा आज का ये था मेरा व्लॉग और सब भाई मेरे YouTube चैनल को कर दे सब्सक्राइब बेल आइकन को भी दबाना है वो मत भूलिए अल्लाह हाफिज़